अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस, आज की भी वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है और थंबनेल से आपको आइडिया हो गया होगा कि जो आज की वीडियो में भी हम बात करेंगे उर्दू कॉल सेंटर से रिलेटेड। मैंने सोचा जितने भी उर्दू कॉल सेंटर का मुझे इलम है, मैं उस पर वीडियोज बनाऊँ और अपने व्यूअर्स को बताऊँ, क्योंकि मेजोरिटी मेरी जो ऑडियंस है वो ऐसे मुझे कॉमेंट्स मिले थे जिसमें वो कह रहे थे कि उर्दू कॉल सेंटर से रिलेटेड हमें बताया जाए कि लाहौर के अंदर उर्दू कॉल सेंटर की कहाँ कहाँ पर जॉब्स आई हुई हैं। तो उसी वीडियो को लेके, एक मैंने पिछले वीडियो पे बनाई थी, वो भी उर्दू कॉल सेंटर पीटीसीएल की उर्दू कॉल सेंटर पे थी, और आज की भी जो वीडियो है वो उर्दू कॉल सेंटर पे ही है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, और इंशाल्लाह होपफुली जरूर उनके लिए जरूर ये वाली वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है जी, इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हम जल्दी से कर देते हैं स्टार्ट। अच्छा गाइस, आज मैं जिस कॉल सेंटर पर बात करने जा रही हूँ उर्दू कॉल सेंटर पर, वो है मेलविक बीमा इंश्योरेंस। मेलविक बीमा इंश्योरेंस क्या है? ये बीमा इंश्योरेंस का आपको जैसे कि पता होगा कि ये एक इंश्योरेंसेस होती हैं जो लोग करवाते भी हैं, और इसमें दो तरह की टाइप्स होती हैं, जैसे हादसाती भी होती है और सेविंग भी होती है। तो इस इंश्योरेंस का जो कॉल सेंटर होता है ना, या जो भी मसले मसाइल हैं, वो सारे ये वाले बीमा मेलविक बीमा इंश्योरेंस वाले डील करते हैं। ठीक है, अब इस कॉल सेंटर में होता क्या है? इस कॉल सेंटर की कैटेगरीज जो है वो तीन है, क्वालिटी की है और एक इनबाउंड और आउटबाउंड है। अब इनबाउंड और आउटबाउंड कॉल सेंटर का आपको थोड़ा सा एलम होगा ही। उसमें ये होता है कि आउटबाउंड में ये होता है कि हम जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कॉल करते हैं, ठीक है, जो कस्टमर्स होते हैं उनको कॉल्स की जाती हैं, और इनबाउंड में कॉल्स आती हैं। तो इधर भी इसी तरह से ये है कि तीन तरह की टाइप्स इनकी कैटेगरीज हैं, एक क्वालिटी है और इनबाउंड है और आउटबाउंड है। ठीक है जी, अब होता क्या है इसमें कि जो आउटबाउंड होते हैं उसमें ये किया जाता है कि लोगों को कॉल्स की जाती हैं और उनको बताया जाता है कि बीमा इंश्योरेंस के बारे में अवेयरनेस दी जाती है, उनके जो जो पैकेज या जो जो फैसिलिटीज ये बीमा इंश्योरेंस वाले दे रहे होते हैं वो कस्टमर्स को बताए जाते हैं, और इस तरह से को गाइडलाइन दी जाती है। तो ये आउटबाउंड वाली इसमें कैटेगरी में आ जाता है। और इसमें ये होता है कि जैज कैश से ये लिंक्ड होता है, सॉरी, जैज वालों के साथ इनका कनेक्शन होता है, यानी जो पैसों की डिडक्शन होती है वो जैज के थ्रू होती है। तो ये सारा एक शॉर्ट सा इसके बारे में है कि ये सारा प्रोसेस वहां पर होता है। इंटरव्यू में क्या होता है कि इंटरव्यू में कोई इतना ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं होता, इधर आप इजीली बस जाते हो और इंटरव्यू देते हो, क्योंकि उर्दू कॉल सेंटर है तो इंग्लिश वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है। आप हाँ, अच्छा है कि इंट्रोड्यूस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस अपनी वीडियोज में भी बताती हूँ कि अगर आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ को आप इंग्लिश में बताते हो तो अच्छा इम्पैक्ट जाता है। बाकी ये है कि कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आपकी फ्लुएंसी होनी चाहिए बोलने में। अगर आपका बोलना अच्छा है, आपका एक्सेंट अच्छा है, चाहे वो उर्दू का हो, तो आप अच्छे तरीके से उर्दू बोलते हैं तो वो आपको हायर कर लेंगे। उनके इंटरव्यू में कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल इंटरव्यू नहीं होता। बाकी ये होता है कि वो आपको एक स्क्रिप्ट दे देते हैं, जो आउटबाउंड वाले होते हैं उन्होंने वही लाइन्स याद करनी होती है और वो वहां जाके कॉल्स करके उन्होंने वो बताना होता है। तो इतना ज्यादा कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है, और हायरिंग भी हो जाती है जब उनके पास वैकेंसीज आई होती है, तो इजिली हायरिंग हो जाती है, वो इशू नहीं होता। लेते हैं इनकी सैलरी की। सैलरी की बात की जाए तो सैलरी इनकी ठीक है, यानी अगर उर्दू कॉल सेंटर की बात की जाए उसके अकॉर्डिंग इनकी सैलरी ठीक है। यानी इनकी सैलरी स्टार्ट होती है 25,000 से लेके 30,000 तक जाती है। अब 2024 है तो थोड़ा इसमें इजाफा भी हो चुका है। ठीक है जी, तो बेसिक सैलरी जो है इनकी 30,000 तक होती है, और आपकी परफॉर्मेंस पर, आपकी सेल्स पर, और मतलब कैसा आप काम करते हो उस पर इनके इंसेंटिव्स होते हैं। और मतलब आप अगर इंसेंटिव अचीव करते जाते हो तो अराउंड, अगर आप ज़्यादा अच्छा इंसेंटिव अचीव करते हो तो आप 50,000 तक ईजिली कमा लेते हो उर्दू कॉल सेंटर में भी। और इसका इनका यहाँ पे काम कोई बहुत ज्यादा हेक्टिक नहीं होता, जैसे मैंने पहले आपको कॉल सेंटर जैसे आईबेक्स है या माइंड ब्रिज है यहाँ पे थोड़ा सा टफ टाइम देते हैं एम्प्लॉयर्स को, लेकिन यहाँ काम भी थोड़ा हेक्टिक होता है। लेकिन जो उर्दू कॉल सेंटर है, जैसे कि मैंने पहले पीटीसीएल वाले के बारे में बताया और इसके बारे में बताया, तो इतना ज्यादा मुश्किल काम नहीं होता। ठीक, और सैलरी आपको टाइम पे ये दे देते हैं, इनका सैलरी की तरफ से कोई इश्यू नहीं होता। गाइज, अब बात कर लेते हैं छुट्टी की। तो गाइज, छुट्टी की इनका जो, चूंकि इनकी दो तरह की टाइप है, एक है इनबाउंड और एक आउटबाउंड। आउटबाउंड में ये है कि कॉल्स करनी होती है, कॉल्स जाती हैं, और इनबाउंड में कॉल्स आती हैं। अब आउटबाउंड में क्या होता है कि इनका सैटरडे ऑफ होता है, ठीक है जी, और जो इनबाउंड है उसमें सैटरडे ऑफ नहीं बल्कि रोटेशनल एक छुट्टी मिलती है।
तो ये इनका छुट्टी का सिनेरियो होता है, और छुट्टी एक ही होती है, इन बॉन्ड में रोटेशनल एक छुट्टी और आउट बॉन्ड में सैटरडे इनका ऑफ होता है, ठीक है जी। और अब बात कर लीजिए टाइमिंग की, तो इनकी शिफ्ट टाइमिंग क्या होती है, शिफ्ट टाइमिंग गाइज इनकी 9 आवर्स की ही होती है, ठीक है, यानी कि 9 घंटे की शिफ्ट होती है और जिसमें से 1 घंटा ब्रेक का होता है और 8 घंटे वर्किंग आवर्स के होते हैं। अब गाइज बात कर लेते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन कहाँ पे, ये लाहौर में पाया जाता है, न्यू लिबर्टी टावर पे, जो लिंक रोड है ना वहाँ पे, जो न्यू लिबर्टी टावर है उसका 3, 4 और 5th जो फ्लोर्स हैं वो इन्हीं के पास हैं, इसी कॉल सेंटर के पास हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। मिलविक बीमा इंश्योरेंस के नाम से जब आप इसको गूगल पे सर्च करेंगे तो सबसे पहले इसका एड्रेस ही आता है, तो लोकेशन भी आपको वहाँ से मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया न्यू लिबर्टी टावर में लिंक रोड पे इनका जो है 3rd, 4th और 5th फ्लोर इन्हीं के अंडर है। तो होपफुली अब ये आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा कमेंट्स में ना लोकेशन से भी रिलेटेड क्वेश्चन किए जा रहे होते हैं, तो मैंने कहा कि आज मैं आपको 2-3 दफ़ा इसको क्लियर कर दूँ लोकेशन के बारे में। अच्छा गाइज, मोस्टली क्या हो रहा है पाकिस्तान में भी और दूसरे भी कंट्रीज़ में, जैसे सब कॉन्टिनेंट कंट्रीज़ हैं, तो होता क्या है कि कुछ कॉल सेंटर स्कैम स्कैम भी कर रहे होते हैं और ये सब चीज़ें चल रही होती हैं। अब लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर उर्दू कॉल सेंटर्स में भी मैंने कुछ इस तरह से खबरें सुनी हैं, मालूमात मिलती हैं कि कई ऐसे कॉल सेंटर हैं जो इजीली स्कैम कर रहे हैं, और जो कि बड़े खतरे की बात होती है एम्प्लॉयर्स के लिए भी, क्योंकि उनको बेचारों को वहाँ पे उनको पे तो मिलती नहीं है उस तरह से, या अगर वो देते हैं तो वो आपको डिले करते रहते हैं। अच्छा, स्कैम कॉल सेंटर से रिलेटेड भी मैं इंशाल्लाह एक पूरी वीडियो बताऊंगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि स्कैम जो कॉल सेंटर्स हैं उस पर वीडियो बनाऊँ या ना बनाऊँ, आपके सजेशन के अकॉर्डिंग ही मैं इस पर डिसीजन लूँगी। अच्छा जी, अब होता क्या है कि स्कैमर्स भी होते हैं, बहुत ज़्यादा स्कैम कॉल सेंटर्स भी होते हैं, लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको उन्हीं कॉल सेंटर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दूं जिसमें कोई स्कैम ना हो। अब ये वाला उर्दू कॉल सेंटर जो है, बिल्कुल आप इस पे इजीली जा सकते हैं और वहां पर आप अपनी सीवी दें, ठीक है, इंटरव्यू इंटर अच्छा अगर हम बात कर लेते हैं इंटरव्यूज की, तो वहां पे आप अपनी सीवी लेके जाएंगे, वॉक इन इंटरव्यूज भी हो रहे होते हैं, तो आपने बस सिर्फ सैटरडे संडे को ना जाएं, बाकी जो है मंडे टू फ्राइडे आप वहां जाएं अपनी सीवी दें, तो आपके वॉक इन इंटरव्यू भी वहां पे हो जाएगा, और जब उनको अगर थोड़ा सा वो वेट का कहते हैं तो आप थोड़ा वेट कर लेंगे, अगर कोई आपको डे बताते हैं तो उस डे पे आप जाके इंटरव्यू दे दें, तो कोई इतना मुश्किल नहीं है, और यहाँ ये ऑथेंटिक कॉल सेंटर है। अच्छा गाइज, अब बात कर लेते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट पर, और वो है कि मिनिमम एजुकेशन कितनी रिक्वायर होती है। तो गाइज, मिनिमम एजुकेशन इसमें सिर्फ इंटर होना ज़रूरी है, यानी आप 12 क्लास से अगर पास हैं तो तब भी आप इजीली इस कॉल सेंटर में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जैसे मैंने कॉल सेंटर जैसे माइंड ब्रिज है, आईबेक्स है, या शाहीन कॉम्प्लेक्स की बात की थी, या बैकस की बात की थी, तो वहाँ पर मिनिमम एजुकेशन अब ग्रेजुएशन रिक्वायर होती है, लेकिन जो ये कॉल सेंटर है जिसका मैंने बताया बीमा इंश्योरेंस कॉल सेंटर, तो इसकी इसके लिए मिनिमम एजुकेशन जो है सिर्फ इंटर रिक्वायर होती है, ठीक है, वो आपने किसी भी सब्जेक्ट में किया हो डजंट मैटर, बस आपका इंटर क्लियर होना जरूरी है, यानी आपने किसी भी फील्ड में है या प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग या आर्ट्स किसी में भी किया हुआ है, बस वो मैटर नहीं करता, बस आपका इंटरमीडिएट होना जरूरी है, 12 क्लास से पास होना जरूरी है। तो अब जिन व्यूअर्स के, क्योंकि मुझे कमेंट सेक्शन में बहुत से क्वेश्चन आते हैं कि हमारी ग्रेजुएशन नहीं है, हम इंटर पास हैं, तो हमारे लिए कोई जॉब्स हैं, हमारे लिए कुछ ऐसी जॉब हो जाए, तो ऑब्वियसली ये उन सब व्यूअर्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी जॉब रहेगी, जिन जो इंटरमीडिएट हैं वो ईजिली यहाँ पर जाके अप्लाई करें और इंशाल्लाह उनको जॉब मिल जाएगी। होपफुली गाइज, ये वाली वीडियो भी इंशाल्लाह आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगी, स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए जो लाहौर में हैं और सर्च कर रहे हैं जॉब उर्दू कॉल सेंटर से रिलेटेड, तो उनके लिए इंशाल्लाह ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। गाइज, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको जल्दी से कर दीजिएगा लाइक, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब और हिट द बेल आइकन, गाइज ये इंपॉर्टेंट है ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। चले गाइज, आपको मिलूंगी दोबारा अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।